2024 में संविधान बना मनुस्मृति चुनाव होगा। जो मनुस्मृति को पसंद करेंगे वो भाजपा को वोट करेंगे, जो संविधान को पसंद करेंगे वो भाजपा को हराने का काम करेंगे। आग इसी बात का है कि व्यक्ति जिस लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बना उसी लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल करके बर्बाद करके राजशाही लाना चाहता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बाबा जल्लाद बन गए थे, जिनका ईश्वर पर विश्वास उठ गया था, जो तलवारें चलाने लगे थे, गर्दन काटने लगे थे, वो बाबा मोहन भागवत की भी गर्दन काट लें तो समझ में आ जाएगा। भगवा उनकी बापौती नहीं है, बुद्ध का रंग है, मेरा चुराया है इन्होंने। मुझे तो पुराना भारत चाहिए, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी वाला चाहिए, जहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। नया भारत इन्होंने ऐसा बनाया कि एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ बच्चे पढ़ सकें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस में पढ़ने जा रहे हैं, यूक्रेन में MBBS करने जा रहे हैं। ये भारत की सच्चाई है। पहले रामचरित मानस पर विवाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या लगता है कि धर्म पर सवाल उठाना कितना सही है? किसी भी व्यक्ति ने रामचरित मानस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। रामचरित मानस में जो SC OBC माइनॉरिटी को गालियाँ दी गई, जो ऐसे शब्द हैं जो महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, उनको निकालने की बात की थी, अपना विचार रखा था। लेकिन चूंकि जो धर्म की राजनीति करते हैं उसको वो मुद्दा बना लेते हैं और वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान भारत में फिर हो जाए और फिर अपनी हम सत्ता बना लें, ये उनकी लड़ाई है। वो तो कह रहे हैं कि उन पंक्तियों का मतलब सही मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो ताड़ना है उसका मतलब शिक्षा होता है और आप लोग उसे प्रताड़ना और पीटना कह रहे हैं। तो ज़बरदस्ती आप थोप क्यों रहे हैं? किसने कहा कि आप ज़बरदस्ती थोपिए? धर्म आपका, आप उसे मानिए। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भारतीय संविधान हमें इजाज़त देता है, अधिकार देता है, लेकिन ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं ये लोग? जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, सनातन हो रहा है, हिंदू हो रहा है, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कितना सही है? जब सारे एक सूत्र में बंध रहे हैं तो क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, सनातन उसे कहा जाता है जो पुराना होता है। बुद्ध के बाद पुष्यमित्र सुंग पैदा हुआ, पुष्यमित्र सुंग ने रामायण लिखी, तो रामायण की तो उम्र 1300-1400 साल भी नहीं है। बुद्ध के बाद इस्लाम आया है, बुद्ध के बाद ईसाई आए हैं, तो सनातन तो धर्म बुद्ध का धर्म है। ये जो अफवाह फैला रहे हैं, पता चला कि हिंदू का शब्द लोग जान गए, क्योंकि अंग्रेज सा नहीं बोल पाते थे, हा बोलते थे, इसलिए हिंदुओं को हिंदू कहने लगे। पहली रामायण किसने लिखी? पहली रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, और उस वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर कहा गया है, तो आप जान लीजिए कि बुद्ध के बाद की रामायण है। ये ज़बरदस्ती नया मंदिर बना करके पुराण लिख देते प्राचीन मंदिर, ये इनका एजेंडा है। नहीं, ये तो कहते हैं ना, जाति धर्म जो है ये पुरानी बातें होंगी, सनातन में तो सारे एक हैं। और मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति जो है सभी एक हैं, जाति तो कुछ ब्राह्मणों ने बना दी, पंडितों ने। देखिए, जब देश भारत का SC OBC माइनॉरिटी का व्यक्ति ब्राह्मणों की करतूत का उजागर करने लगा, तो मोहन भागवत ने उनकी करतूतों को छुपाने के लिए बयान दिया है कि ब्राह्मण ने जातियाँ बनाई। ये बयान उनका बिल्कुल सत्य है, और ये इसलिए उन्होंने दिया ताकि जो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत देश में पैदा हो रही है, SC OBC माइनॉरिटी के लोग जाग रहे हैं कि इन्होंने कम संख्या वालों देश पर किस तरह से लूट मचाई है, ये लोगों को पता चल रहा है, इसलिए बयान दे करके इस मामले को ठंडा करना चाह रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है? बिल्कुल, देश संविधान से चल रहा है और आगे भी चलेगा। इन चोरों की कोई बात मानने वाला नहीं है भारत में, लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। कौन चोर है? ये चोर जो नफरत फैला रहे हैं, ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत फैला रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवादी जो सही मायने में है, ये सावरकर से पूछ लीजिए कि राष्ट्रवादी कौन है, या सावरकर के बारे में पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा असली राष्ट्रवादी कौन है। जो देश के लिए मरा है, जिस व्यक्ति ने देर के लिए अपनी खून बहाया है, उन लोगों को ये नफरत कर रहे हैं। और जो कभी देश के लिए प्रयोग में नहीं आया, जिसका कोई योगदान नहीं है, वो राष्ट्रवादी बना घूम रहा है, ये थोता राष्ट्रवाद उनका ख़त्म होने वाला है। अरे, कहा तो जा रहा है कि जो मोदी के सामने जब कोई टिक नहीं पाया तो कुछ ताकतें हैं जो बांटने में लग गई, अब शूद्रों को बांटने में लग गई, दलित OBC भारी है। देखिए, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो ये है कि लोकतंत्र संविधान है, इसलिए चाय बेचने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है कि व्यक्ति जिस लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बना उसी लोकतंत्र को धनतंत्र में बदल करके बर्बाद करके राजशाही लाना चाहता है। आप ये देखिए कि जिस सीढ़ी से जो व्यक्ति चढ़ा उसी सीढ़ी को तोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है, इससे और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? अगर राजशाही होती तो चाय बेचने वाले मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता नहीं बनता, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र को ख़त्म करने की फिराक में लगे हुए हैं।
आप ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देगी मोदी सरकार? नहीं, भाजपा वाले तो चाहते ही हैं कि मनुस्मृति लागू की जाए, जो जिसका पहले कार्य इन्होंने बांटा था वो दे दिया जाए, बाकी लोगों से खाना छीन लिया जाए, लोगों से कपड़े उतार लिए जाएं, इनको नंगा बाजार में कर दिया जाए, ये चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ये संविधान से भारत चलता है और ये संविधान से चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा मोहन भागवत जी का भी विरोध हुआ ट्विटर पर, कहा गया माफ़ी मांगो, और माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने अभी भी, उन्होंने कहा जाति पंडितों ने नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बाबा जल्लाद बन गए थे, जिनका ईश्वर पर विश्वास उठ गया था, जो तलवारें चलाने लगे थे, गर्दन काटने लगे थे, वो बाबा मोहन भागवत की भी गर्दन काट लें तो समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी पर गर्दन काटना कितना सरल होता है। और फिर जब ईश्वर पर आपको विश्वास है, ईश्वर आपका इतना शक्तिमान है, फिर आपको तलवार उठाने की ज़रूरत क्या है? श्राप दे दो, भस्म हो जाएंगे विरोध करने वाले। ये सब ड्रामा है इनका। भगवा पहना आपने, भगवा को लेकर भी कहा जाता है कि भगवा उनकी बापौती नहीं है, बुद्ध का रंग है, मेरा चुराया है इन्होंने। अच्छा, बुद्ध का रंग है जी, मेरा रंग है, इन्होंने चुरा लिया है। तो आप भी भग रागो भग दोषो भग मोहो अनाहेता, ये बुद्ध का रंग है, चोरी किया है इन्होंने और नफरत फैला दी इसी रंग के माध्यम से। क्या जो बयान है 2024 को लेकर दिया गया, कौन सा बयान? जाति पंडितों ने बनाई, क्या आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को इकट्ठा करने की कोशिश है? देखिए, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हैं, कोई दो राय नहीं है, आगे चल के पता चल जाएगा इनको। तो क्या लगता है 2024 का मुद्दा क्या रहेगा? 2024 में संविधान बनाम मनुस्मृति चुनाव होगा, जो मनुस्मृति को पसंद करेंगे वो भाजपा को वोट करेंगे, जो संविधान को पसंद करेंगे वो भाजपा को हराने का काम करेंगे। संसद भवन का नाम किस पर रखा जाना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संसद भवन का नाम होना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। तो क्या लगता है सरकार मान लेगी? बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? और नहीं मानेगी तो जब सरकार हमारी बनेगी, हमारे लोग बनाएंगे, तब उसका नाम बदल देंगे। जैसे सपने देख रहे हैं आप लोग, सरकार कैसे बनाएंगे आप? कहाँ आपके पास? इन्होंने कुछ बनाया तो है नहीं, नाम बदल रहे हैं, और जब हम आएंगे तो हम भी नाम बदल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? कैसे आएंगे, बड़ा सवाल। अरे आएंगे, प्लानिंग चल रही है, लगे हैं, संघर्ष जारी है। उन्होंने 100 साल मेहनत की, हमें 10-20 साल तो मेहनत करने दो साहब। यानी 20 साल बीजेपी रहेगी? हाँ बिल्कुल। नहीं, उनका कुछ काम खत्म हो गया, कुछ और बचा है, वो खत्म होने वाला है। क्या काम बचा? थोड़ा बहुत काम बचा है, अभी मनुस्मृति लागू और करना चाहते हैं, ये काम उनका आखिरी रह गया। चाहेंगे वो कर लेंगे? हाँ वो करना चाह ही रहे हैं, लगे हैं, संघर्ष जारी है उनका, और हमारा भी संघर्ष जारी है। गोलमेज सम्मेलन का क्या आज आप? गोलमेज सम्मेलन का मतलब है कि जो निजीकरण लोगों ने कर दिया है, उस निजीकरण की वजह से एससी ओबीसी को जो आरक्षण मिला था, नौकरियों में मौका मिला था, वो खत्म हो गया है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नए संसद भवन का नाम रखा जाए, ये हमारी मांग है, इसलिए हम लोग आए हैं। बहुजन समाज का एक बड़ा तबका मायावती को कहीं ना कहीं देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है, ऐसे तमाम खबरें आती हैं। हम तो चाहते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो भंते सुमित रतन होंगे, अगर माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो कोई अंबेडकरवादी, समतावादी, मानवतावादी इस देश का प्रधानमंत्री चाहिए, हक वंचित चाहिए, कमजोर चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा ना फिर? नहीं, ज़मीन उतरने की ज़रूरत क्या है? जब यहाँ कहकर के ही प्रधानमंत्री लोग बन जाते, तो मैंने भी कह दिया ना बन जाइए, मैं भी मांग कर रहा हूँ माननीय बहन जी बने। मोदी कहते हैं मैं अकेला सब पर भारी हूँ और कोई चेहरा नहीं उनके सामने। उनका अभिमान बोल रहा है, उनका घमंड बोल रहा है, चूर चूर होने वाला है। करेगा कौन मंदिर जी? सब लोग मिलकर करेंगे। श्रीलंका को अभी आपने देखा, इराक को अभी आपने देखा, अफगानिस्तान को अभी आपने देखा, लोगों ने तोड़ दिया है घर में घुस करके। लोग ही भारत के तोड़ेंगे घर में घुस के, इनको देख लेना आप। वहाँ पे यहाँ तो लोकतंत्र यहाँ थोड़ी है। जिनका जिनका ये खून पी रहे हैं, यही लोग इनका खून पिएंगे, आप चिंता मत करिए। क्रांति की प्रतिक्रांति होने वाली है भारत में, जितना ये अति करेंगे उतनी ही अति होगी। सीबीआई ईडी से आपको डर नहीं लगता? सीबीआई ईडी सब हमारी है, क्या हमें डर लगना उससे? जेल में सब हमारे लोग रहते हैं, वहाँ भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे। क्या सच बोलना मुश्किल हो गया बंदे जी? कोई मुश्किल नहीं है, सच हमेशा पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा है। झूठे हमेशा गुट में रहते थे, आज भी रहते हैं। तो नया इंडिया बनाने की कोशिश है 2047 तक एकदम नया इंडिया? नहीं, मुझे तो पुराना भारत चाहिए, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी वाला चाहिए, जहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। नया भारत इन्होंने ऐसा बनाया कि एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ बच्चे पढ़ सकें। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस में पढ़ने जा रहे हैं, यूक्रेन में MBBS करने जा रहे हैं, ये भारत की सच्चाई है। लेकिन आप जैसे लोग कम से कम सही बात कह रहे हैं, गोदी मीडिया की तो हिम्मत नहीं एक शब्द बोलने की, बिक गए हैं।
दलाली कर रहे हैं, कौन कौन जमीर बेच दिया है, सारे मीडिया वाले सब बिक गए हैं, दलाली कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि अगर प्रूफ कर दो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। रूबिका ने कहा है एक पाई भी लिया होगा तो नौकरी छोड़ दूंगी। देखिए ये सारे कार्य गैर कानूनी इस तरह कानूनी ढंग से करते हैं कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। यही इनके पास पारंगत है और यही इनका सबसे बड़ा ज्ञान है।